भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि जिस तरह की भाषा का उपयोग वे हिमाचल जैसे शांत क्षेत्र में आकर कर रहे हैं वह साबित करता है कि वे अविनाश नहीं बल्कि विनाश की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने अविनाश राय खन्ना को सलाह दी है कि जब भी वे हिमाचल आए तो पहले यहाँ की भाषा और संस्कृति सीखें, फिर कांग्रेस पर कोई टिप्पणी करें। उन्होंने कहा कि अविनाश राय खन्ना शायद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां ऐसी भाषा आम बोली जाती हो, लेकिन हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग उचित नहीं है। उन्होंने हिमाचल का परिवार देते समय पहले इस बात का ज्ञान भाजपा नेताओं को देना चाहिए था। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा के प्रभारी हिमाचल में आकर वे विनाश की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो कि बेहद गलत है, जो दर्शाता है कि वे किस तरह के व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में बहुत से नेता हैं जो सभ्य भाषा और शब्दों का उपयोग करते हैं। अगर वे हिमाचल की सभ्य संस्कृति को कांग्रेस से नहीं सीखना चाहते तो वे उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अन्य राज्य से यहाँ आए हैं, इसलिए उन्हें हिमाचल की संस्कृति को जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अविनाश राय खन्ना एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। अविनाश राय खन्ना जी जो विनाश की भाषा का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो आए और उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री जी को 100 से 100 नंबर दे दिए, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि एक साल मुझे काम करने का मौका ही नहीं मिला 3 साल में। इसका मतलब वो तो ये कह रहे हैं मैंने तो अपना जो प्रश्न पत्र है वो ही पूरा नहीं किया, और जो एग्जामिनर है वो उनको 100 से 100 नंबर दे रहे हैं। तो अविनाश राय जी की क्या बुद्धिमत्ता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा सरदार शोभा सिंह जी को मिलने गया था अंधरेठा में, पालमपुर में। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, उन्होंने कहा था काका जी एजुकेशन वाइन एंड फॉर्च्यून डू नॉट चेंज ए मैन। अविनाश खन्ना जी एक पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता तो हो गए हैं, पर जो उनका अंदर है, उनकी जो एजुकेशन है और जिस किस्म की जो उनके मन की बात है, वो उसी किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी में हमारे काफ़ी मित्र लोग हैं, उनको बहुत अच्छी भाषा भी आती है और बहुत अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अविनाश खन्ना जी अपने को इम्प्रूव करना चाहें तो हमारे ही पार्टी के लोगों से ना सीखें, अपनी पार्टी के लोगों से ही भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक समझें। और फिर भी वो जिस स्थान से आते हैं, अगर वो उस संस्कृति से आ रहे हैं, तो उन्हें हिमाचल की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले वक्त में मेरा उनसे आग्रह भी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काफ़ी सीनियर आदमी हैं। अभी जो उनसे शब्दों का जैसे प्रयोग हुआ है, भविष्य में मुझे लगता है कि ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे।